हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत में कितनी नदियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। ऐसे तो हमारे भारत में देखा जाए तो नदियां तो बहुत हैं, हज़ारों की तादाद में नदियां हैं हमारे भारत में, जिसमें नहरें अलग आती हैं। जो नहरें गांवों में रहती हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो बड़े बड़े नाले रहते हैं और उनके बाद नहरें रहती हैं, जो कि अधिकतर गांव में जो कि बम्बा बना के नहर का पानी खेतों में वापरा जाता है। उसके बाद छोटी छोटी नदियां रहती हैं, फिर बड़ी नदियां रहती हैं, फिर उनके बाद और मुख्य जो नदियां रहती हैं, मेन नदियां रहती हैं। तो यह अलग अलग प्रकार के मैंने आपको बताया है। और यह सब जो नाला रहते हैं वो जाके नहर में मिलते हैं, जो छोटी नहरें रहती हैं वो जाके छोटी नदियों में मिलती हैं, और जो छोटी नदियाँ रहती हैं वह बड़ी नदियों में जाके मिलती हैं, और बड़ी नदियाँ सारी समुद्र में जाके मिल जाती हैं। और समुद्र जिसका कोई छोर नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, और जिसका ना कोई किनारा है, विशाल समुद्र में जाके मिल जाती हैं। और समुद्र का पानी बेहतरीन खारा रहता है, वह पीने योग्य बिल्कुल नहीं रहता। और अब बात करते हैं नदियों के कि भारत में कितनी नदियां हैं। तो भारत में लगभग जो मुख्य नदियां हैं वह 200 नदी हैं, जैसे ताप्ती, गंगोत्री, क्षिप्रा, नर्मदा, गंगा, यमुना, इन प्रकार की नदियाँ, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियाँ मुख्य जो नदियाँ हैं बड़ी बड़ी, तो 200 नदियाँ मुख्य नदी हैं पूरे भारत में। इसमें जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी सिर्फ एक ऐसी नदी है जो कि उल्टी बहती है, बाकी सभी नदियाँ सीधी बहती हैं। और नर्मदा नदी को बहुत पवित्र नदी माना गया है, क्योंकि वह कुंवारी नदी है, इसलिए नर्मदा नदी को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है गंगा जैसी। और भारत में सबसे बड़ी नदी की बात करें तो सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, वह गंगा नदी विशाल नदी है। और गंगा नदी की हम बात करें तो जितनी भी नदियां रहती हैं उनका पानी आप कहीं भी आप रखते हैं बोतल में या कहीं भी, तो वो कुछ समय बाद, थोड़े दिनों बाद उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, पानी ख़राब हो जाता है। पर जो गंगा नदी का पानी रहता है, आप उसको किसी भी बोतल में कुछ भी रख लें, वह ज़िंदगी भर पानी वैसा ही रहता है, और कभी ना उसमें कीड़े पड़ते हैं, ना कुछ होता है, ना ख़राब होता है। इसीलिए गंगा को पवित्र नदी माना गया है। और मैं भी जब कानपुर गया था तो वहाँ से बिठूर से गंगा नदी का पानी बोतल में लेके आया था, और उस पानी को आज भी 8 से 10 साल हो गए हैं, पानी वैसा ही साफ सुथरा और पीने योग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गंगा नदी है, पहले जो थी कि उसमें गंदगी लोगों ने ज़्यादा कर दी थी, पर अब हर शहर में सफाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको गंगा नदी का पानी एकदम कांच जैसा दिखाई देगा हर शहर में। जहाँ से गंगोत्री निकलती है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है छोटी धार बन के, एकदम वहाँ पर दूध ऐसा पानी रहता है, वैसे ही आपको हर शहर में आपको गंगा नदी का पानी अब साफ सुथरा दिखाई देगा। इसलिए आप कभी भी जाएं तो गंगा नदी का पानी ज़रूर लेके आएँ, तो वह कई प्रकार से काम आता है। धन्यवाद।